हाय फ्रेंड, आज मैं आपको एक पकौड़ा का रेसिपी बताने जा रही हूँ जो आप बहुत ही कम समय में आसानी से आप बना सकते हैं। ये रहा उसका सामग्री, जैसे कि आलू जो मैंने पहले ही बॉईल करके रखी हूँ, थोड़ा एक चम्मच कलम से बेसन, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, धनिया और दो एग, और ये रहा स्वाद अनुसार नमक। पहले मैं जो आलू बॉईल करके रखी हूँ इसे मैं पहले मैश करूँगी। मैश करने के बाद आप जो सामान मैं पहले काट के रखी हूँ वो सब डालूँगी, जैसे कि धनिया, ये रहा प्याज बारीकी कटी हुई, ये आपका अदरक, ये हरी मिर्च, ये रहा आपका बेसन जो एक से दो चम्मच, उसके बाद जो दो एग रखी हूँ ये सब डालने के बाद पहले एक बार अच्छी तरह इसे मैश करना है। ये मैश हो चुकी है, अब इसमें आप स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद हल्दी, जो थोड़ा कलर आने के लिए, और ये रही थोड़ी सी लाल मिर्च बस। उसके बाद फिर एक बार इसे अच्छी तरह मैश करना है। ये आपका, ये मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ और इसमें आप रिफाइंड तेल डाल के पूरा हाई फ्लेवर में गरम करना है। ये आपका तेल पूरा गरम हो गया है, उसके बाद आप जो मैंने पहले से मैरिनेशन करके रखी हूँ ये आप एक एक करके डालना है। सावधानी से इसे पूरा अच्छी तरह हमें फ्राई करना है जब तक कि वो ब्राउन कलर का ना हो जाए। ये देखिए आपका ये जो पकौड़ा है कंप्लीट। अब इसे आप निकालिए, ये आपका एक पकौड़ा कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर, और नीचे बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, और प्लीज़ आप घर में एक बार ट्राई कीजिए।